आज राजद का जो बिहार बंद का खौफनाक मंजर हम लोगों ने बिहार वासियों ने महसूस किया, जो उनका 15 साल का कुशासन रहा था उसकी एक मंजर न लोगों ने हम लोगों ने देखा। सबसे बड़ी बात है कि आज यह बंदी था किस लिए, जिस इशू पर जिस मुद्दे पर बंदी होता है लोगों को ये भी नहीं पता। कुछ असामाजिक तत्व राजद के जो समर्थक माने जाते हैं, ऐसे असामाजिक तत्व जो है इस देश में इस राष्ट्र में ये एक विध्वंसकारी स्थिति पैदा करना चाहती है। आज हमारे जो चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु हैं, मित्र हैं, भाई हैं, उन पर भी हमला हो रहा है। हम लोगों ने देखा पटना में भी बड़े पैमाने पर आर भारत चैनल है उस पर हमला हुआ, कहीं पर आज तक चैनल वाले पे हमला हुआ। ये लोग आज जो हमारे भारत जो को जो विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उससे ये लोग बुखला गए उनके विकास के मॉडल से, उनके राष्ट्र पे जो काम करने की गति आज देश में है, आज जो भारत शक्तिशाली हुई है इस मुद्दे से आम लोगों का भटका कर, जो हमारे भाई जिस भी समाज से आते हो उनको ये मुद्दा से भटका कर वो इस विषय को जान नहीं रहे। इस जो आज एक बिल की बात हो रही है नागरिक संशोधन बिल 2019, इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी भी समाज को आज आघात पहुँचे। ये बिल राष्ट्र हित में है, भारत हित में है, देश हित में, यह एक अच्छा बिल है। परंतु इस राजद का जो विरोध है, ये अपना जो जनाधार खो बैठे हैं, इस मुद्दा भटका कर ये लोग गलत तरीके से राजनीति कर, आज नौगछिया में भी हम लोगों ने देखा खुलेआम गुंडागिरी हो रहा था, लोग जो है फिर भी आज भागलपुर में भी मैंने देखा, कई विजुअल देखा, कई चैनलों पे देखा कि लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और आदरणीय अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लोगों ने इस बंद को नकारा है और ये जो व्यवस्थाएं बन रही आम लोग देख रहे हैं, समय आने पर जनता इन्हें खुद सबक देगी। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो निरंतर आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।